ये कार्यक्रम रद्द किए गए और हमारा कार्यक्रम अलग अलग कई कार्यक्रम हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष है अभिमन्यु जी अभिमन्यु जी दो पानी के पास एक अभिमन्यु भारत में पापा से तो इतनी देखकर बैठे परिवार लोग कहे की कौन पार्टी है कि कहा गरीब है वो पार्टी है कि बड़े बड़े पहलवान का पसीना छोड़ा होती है। हम तो साफ साफ आपसे बताओ ये विचार ये सोच ये लड़ाई मंजर नहीं। यहाँ का हमारा नौजवान जीतेगा तो दिल्ली इलेक्ट्रोल निर्णय से जाएगा कि बिजली के बिल माफ कराने के सवाल पे लोगों ने वोट दे करके निकालने का काम किया। ये सरकार को संदेश जाएगा आपको आएंगे हमारे विरोधी पार्टी वाले जो हमें जो विरोधी वाले भाई वो यहाँ तो कहिए तो से अरे यहाँ से माफ पहले तू लोग कभी नहीं माफ कर रहे हैं यहाँ वोट दे हुई उनसे कह दिया कि पहले तो तू लोग के वोट दे ही पाई है और वो लोग नहीं तो योग कर लेकर तंत्रों को उनसे डर लगा था कि वो तो बात ले पहले किए आगरा के लोग दुआरे सबके दे रहे जे दुआरे और सबके कर रखी पर भैया को ही कहती बात ही की लेकिन बुधवार पर जाके समाने का चुपचाप मार के एक गुरु बार बार मेरे खड़ा हो रहे हैं नेता आते हैं चुनाव के समय और ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा में अंदर सो जाते हैं तब चुनाव की तैयारी बंद कर देते हैं। जब जाते हैं तो 24 घंटे में 18 घंटा 16 घंटा 12 घंटा हम चुनावी मूड में पूरे देश में बाजा बजाने का काम कर रहे हैं। सूचना जारी होगी तो लोग आएंगे आपके बीच में उनसे अब सवाल होना चाहिए कि बताओ साथी चाहे सपा का कैबिनेट हो चाहे बसपा का हो चाहे भाजपा का हो चाहे किसी दल का हो उससे एक सवाल पैदा करो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षित को संगति को संघर्ष करो। आप बताओ शिक्षा के सवाल पे दो तरह की बात क्यों हमारे नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं इन दोनों में जो हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे इनकी लड़ाई होगी जब देश एक है संविधान एक है प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है तो देश में एक समान शिक्षा जो पढ़ाई अमीर के बेटा को वही पढ़ाई गरीब के बेटा को दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। उन्होंने से पूछा कि तू का चाहते हो तब हमारे के पढ़ाई जाने को तू कहिए तू लोग मत जा कि नहीं लोग हमारे का पढ़ाई है तो वहां आवास दे दीजिए तो वहां शौचालय दे दीजिए तो हर पेंशन बनवा दे उनसे कहा था कि खाली हमारे बेटा बेटी के अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करना हमारा बेटा पढ़ लिख करके वो अच्छी व्यवस्था खुद कर लेगा तेरे भरोसे नहीं रहेगा। हम लोग को कि देखा अभी बता देते अब अभी बहुत से लोगों की फरम हुई ओम प्रकाश राजभर बनारस का नेता बनारस से चलन है और हम धीरे 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 पूरे प्रदेश के साथ अन्य स्टेटों में घूम और प्रदेश में वो दिन पैदा करूंगा। हमारे पत्रकार भाई सुचल जी की यार को नेता बुलंद का कोनो मान का आज देख ला कांग्रेस पार्टी अगर हम बलिया में है हम चाहे सहारनपुर हुई चाहे बांदा आप बतावा कांग्रेस पार्टी से हम लोगों का पार्टी बड़ी हो कि ना बड़ी हो जोर से बोला कांग्रेस पार्टी का 2 MLA और भारतीय समाज पार्टी का 6 MLA और चर्चा के मामले में लड़ाई के मामले में भी हम लोग सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वोट में आगे रहा लेकिन नेतृत्व में पीछे रहा एक सीट बहुजन समाज पार्टी हम लोग 6 सीट
ये जो बचत भाजपा और सपा यही ढूंढने के पीछे में ही लेके बना, हम कहते हैं ना एक जने के तो कटते थे चाहे ये कटता तब ठीक नहीं और करे बाद जब आपने सामने लड़ाई लाई तो हम बताई अब यही तो हम लोग चाहते हैं अपन बार बार कि आप फैसला देने वाले जनमानी को आप बताओ 75 साल की आजादी में 71 साल से हम हमारे बाप दादा भाई वोट दे रहे हैं और बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है। कहीं टीवी पर कहीं नेता ये चर्चा करने को तैयार नहीं कि बेरोजगारी कैसे कम हो, कौन सी व्यवस्था लगाई जाए, इस पे चर्चा नहीं। लेकिन भारतीय समाज पार्टी की सोच है कि कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा जो उन्हें लड़का लड़की के कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, राउटर बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, टीवी बनाना, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 4 साल, 5 साल, 6 साल जिसके बेटा बेटी को मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना सिखाया पढ़ाया जाए तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा, बोलो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा। ये शिक्षा देश में तकनीकी शिक्षा देश में नेता लोग क्यों नहीं लागू करते, ये नेता आते हैं हमको आपको पढ़ाते हैं पाठ सूरत में 8 अब ओम प्रकाश राजभर एक चीला लेके रोज रुपए अब हम लोग पढ़ावल नहीं पाठ तोरंगनी बनती बोला हुई कि नहीं।